माय बावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम सब जानते हैं अभी दशक उत्सव चल रहा है तेलंगाना राज्य में और सीएम केसीआर के तत्वावधान में, सीएम केसीआर के आदेश के अनुसार ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो बहुत बखूबी चल रहे हैं और काफी सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को निभाया जा रहा है। देखिए, 20 तारीख कल विद्या दिवस था और आज 21 तारीख है और आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि गाँव में और शहरों से ज्यादा गाँव में जिस आध्यात्मिक दिवस को प्रायोरिटी दी जाती है वो बहुत ही सुंदर तरह से दी जाती है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि बेला मंडल के मंडल परिषद अध्यक्ष यानी मंडल अध्यक्ष बीआरएस के मंडल अध्यक्ष प्रमोद रेड्डी का गांव है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है इस गांव में, ये गांव पूरी तरह से आध्यात्मिक माना जाता है। अभी इस गांव में कई ज्येष्ठ नागरिक भी है, आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसे विट्ठल राउत महाराज, जिनका नाम विट्ठल राउत महाराज है, वो आध्यात्मिक को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं और अपने विचार और बाजीराव महाराज के विचारों को सामने रखकर लोगों के दिलों में उस बात को बिठाना चाहते हैं। देखिए, अभी बाजीराव महाराज का और संत टुकड़ो जी महाराज का हमारे जो इधर गाँव के इलाके हैं उसमें सबसे ज्यादा आध्यात्मिक गाँव में से सबसे पहले नंबर पर आता है तो वो कोनाला गाँव आता है। यहाँ पर हर कोई मंदिर मिलेगा, यानी हर कोई संत की मूर्ति मिलेगी और हर कोई संत को मानने वाले, हर भगवान को मानने वाले मिलेंगे। दर्शकों, इसमें विट्ठल महाराज का कहना यह है कि देखिए, आध्यात्मिक जो धर्म है वो किसी समाज को प्रेरित नहीं करता, किसी समाज के बारे में नहीं कहता, बल्कि इस आध्यात्मिक जो धर्म है वो सभी समाजों को मिलाकर एक ही आध्यात्मिक धर्म को माना जाता है। और आज कोलाना गांव में भजन कीर्तन के साथ और गौड़ी के साथ यानी इसको नाचते गाते हुए आज का जो आध्यात्मिक दिवस है वो बखूबी मनाया गया। धन्यवाद, पर आप बने रहिएगा माय मावली हिंदी समाचार के साथ। Thank you.
अपने पोनाला गांव में आध्यात्मिक कार्यक्रम ये बनाने का कार्यक्रम ऐसा है कि आज 21 तारीख और जो है सो अपने सरकार ने आज आध्यात्मिक कार्यक्रम बनाने के लिए अपने को जो मैसेज भेजे और जो है सो अपने दिल में भी है वो 21 तारीख के आज के आध्यात्मिक कार्यक्रम के बारे में हमें 2 मिनट बोलने का जो मौका दिया तो ये आध्यात्मिक कार्यक्रम बोले तो ये सत्य है असत्य नहीं है। सत्य जो सत्य को असत्य जो कहते हैं उनमें जो ताकत सत्य बोलने की नहीं रहती है तो वो आदमी हो या कोई औरत हो, सत्य को असत्य जो बोलते हैं उसको पशु पक्षी जम्बुक मेंढे कुत्ते सुअर इसमें जो है सो ये शामिल है जैसा ऐसा ये तुकड़ोजी महाराज का कहना है। ये धर्म में जो है सो ये धर्म ऐसा है कि हिंदू या मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन नहीं, फारसी नहीं और कोई नहीं, सभी का ये आध्यात्मिक धर्म है। ये और ये आध्यात्मिक धर्म के लिहाज से सभी अपनी जनता चलती है और मराठी में जो ये थोड़ा सा एक तुकड़ोजी महाराज ने लिखा है, मित्रांनो आपल्या कमजोरी मुळे आपल्या विरुद्ध असलेल्या दुष्ट माणसाच्या ताब्यात जाऊन त्याचे मनविण्यापेक्षा स्वतंत्र होण्याचे होईल तेवढे प्रयत्न करू नाही न साधल्यास आपले प्राण ध्यायात समर्पण करणे म्हणजे मोक्षा एवढे विशाल व उच्च स्थान मिळवणे होय असे मी समजतो। हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचं म्हणणं आहे आणि मला या 2 शब्द बोलण्याचा जो मौका दिला त्याच्याबद्दल मी सर्व पुणाला ग्रामवासियांचे आणि सर्व संप्रदायाचे मी आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द इथं सांगतो।